देखिए, आज बजट पेश किया गया है और पूरे दुनिया की नजरें केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा, सशक्त और हर तबके को साथ में लेकर चलने वाला बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने। कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, बिल्कुल पटरी पर आ गई है। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि बच्चों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। युवाओं और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खुलेंगी जगह जगह। महिलाओं की बचत के ऊपर 5% ब्याज दर मिलेगी। और जो मुफ्त अनाज योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कच्चे तेल के मूल्यों में भी निरंतर सुधार की स्थिति की तरफ अर्थव्यवस्था को ले जाने वाला बजट है ये। नौकरियां अधिक मिलेंगी और घाटा जो है वो राजकोषीय घाटा कम होगा। तो एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, आप देखेंगे नए एयर कनेक्टिविटी से सारा देश जुड़ेगा, ये भी एक बहुत मजबूत बात है। तो केंद्रीय बजट हर तबके के ऊपर फोकस कर रहा है। एकलव्य मॉडल के बहुत सारे स्कूल्स खुलेंगे, जिसमें हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं उनको विशेष शिक्षा के प्रावधान के तहत सशक्त किया जाएगा। तो बजट को मैं कहूंगी कि मेरी तरफ से बजट बहुत ही सकारात्मक और तमाम लोगों को साथ में लेकर चलने वाला अभूतपूर्व बजट मैं इसको मानूंगी। कौशल योजना का विस्तार किया गया है। विदेशों में रहने वाले कामगारों के लिए भी ये योजना अब काम करेगी। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, वायु एनर्जी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत ही मदद मिलेगी। पीएम आवास योजना में भी बजट को बढ़ाया गया है। अब कमजोर लोगों को, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर मिलने की और भी संख्या बढ़ जाएगी। नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे, जिससे स्किलफुल बच्चे निकलेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। एग्रो स्टार्टअप, एग्रीकल्चर पर फोकस्ड ये योजना जो है किसानों को विशेष तौर पे लाभ देगी, क्योंकि एग्रीकल्चर पर एग्रो स्टार्टअप पहली बार बजट में प्रावधान रखा है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जो महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या में सम्मान दिलाएगा, शुरू किया है, जो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मैं मानती हूँ कि एक सशक्त बजट, एक नया बजट, एक विकासशील बजट और भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाला निर्मला सीतारमण जी का बजट हर वर्ग के द्वारा सराहा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।